अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। चीटिंग नहीं है, बुद्धू बना, खेल में ऐसे चलता। जैसे अभी हमारी चीक ने आपको बुद्धू बना दिया। ये मैं इसे नहीं पहनूंगा, निकालो इसे। हेलो हेलो मासा, मैंने थानेदार साहब को ना धागे वाली हथकड़ी पहना दी है, उन्हें हथकड़ी कैसे पहनाना है वो मैं जानती हूँ। अब आप इतने नास्तिक तो नहीं हो कि आप पूजा वाला धागा निकाल दो? मुझे चैलेंज कर रही हो बुलबुल? हाँ, और ये वाला भी मैं ही जीतूंगी। इम्पॉसिबल। हाँ, यही शब्द था, इम्पॉसिबल यही बोला। काटिए काटिए काटिए। पता था मुझे, तुम्हें पहले भी बोला है कि झूठ मत बोला करो, झूठ एक भी दिन नहीं टिकता, और एक नंबर की झूठी हो तुम। क्या बोला आपने? आपने जो भी बोला वो वापस लीजिए, वरना वरना मैं पूरी रात यही बैठी रहूंगी। अच्छा, ये बात है तो ठीक है, ये लो, मैं भी तुम्हारे सामने यही पूरी रात बैठा रहूंगा, और जब तक बैठा रहूंगा जब तक तुम ये नहीं बोल देती कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो। नहीं, आप अपनी बात वापस लीजिए। पहले कबूल करो कि तुम एक नंबर की झूठी हो। नहीं हूँ मैं झूठी, वापस लीजिए अपनी बात। नहीं 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 नहीं, मैं एक नंबर की झूठी हूँ। नहीं। बुलबुल, 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 आज इस खुजली वाले पाउडर का कमाल अपनी आंखों से देख ली। कि ये बिल्कुल कहाँ गई? बुलबुल, बुलबुल तू अंदर है क्या? हाँ जीजी। खुजली कर करके इसने तो अपना पूरा स्किन ही छील लिया होगा। बुलबुल जल्दी कर, सब तेरा वेट कर रहे हैं, कलश में पानी भरने जाना है ना। हाँ जीजी, मैं बस आई। ठीक लग रही है। हाँ जीजी, मारे को क्या हुआ, मैं तो ठीक ही हूँ। वो मेरा मतलब है कि तू इतने देर से अंदर थी ना, मुझे लगा कुछ। अब हाँ जीजी, वो नहाने में ना आज थोड़ी देरी हो गई, अब मारे को जल्दी से नीचे भी जाना है। जल्दी से नीचे जाती हूँ, आप भी आ जाओ। मतलब से मेरी गलत फहमी थी, बुलबुल और वीर एक ही बेड पे सोते हैं। आज गणगौर पूजा का आखिरी दिन है। गीता, पूजो ये जो हमारी बुलबुल है ना, वो समझदार होने के साथ साथ तेज भी है। उसने पता नहीं कैसे पर वो पवित्र आशीर्वाद वाला धागा वीर को बांध ही दिया। आशीर्वाद का था? हाँ, पंडित जी ने दिया था।
वो क्या है ना कि जो कोई भी वो आशीर्वाद वाला धागा बांधता है ना, उसके घर में बच्चा जल्दी आ जाता है। इसमें पवित्र जल है, एक भी बूंद छलक गई ना तो सारी पूजा भंग हो जाएगी। ध्यान से बेटा। जी मासा। गीता, ये तुझे वीर से दूर रहना चाहिए था बुलबुल, उनके साथ सेम बेड पर नहीं सोना चाहिए था। अब तू अपनी बड़ी गलती की भारी कीमत चुकाएगी। बुलबुल, तू ठीक है ना? जी। तुम ठीक हो? आप हो तो ठीक ही हो। आज इतनी बड़ी अनहोनी होने से आपने बचा लिया थानेदार साहब। ऐसे डगमगाएंगे तो जिस दिन इस घर की चौखट लांग कर इस घर से बाहर जाना होगा, उस दिन इस घर की चौखट कैसे लांगोगी? जब मुझे घर छोड़कर जाना ही नहीं है तो मैं फिर क्यों इस चौखट को पार करूंगी? बस 5 महीने हो, फिर सारा सच मैं खुद आपको बता दूंगी थानेदार साहब। वहां कलश रखना है ना, अच्छा आराम से दोनों हाथ से। क्या हुआ, खांसी आ रही है क्या? संभाल के। हाँ
ठीक है ना? तेरे को उल्टी क्यों आ रही है? लाडो, गीता, मुझे समझ में आ रहा है कि बुलबुल को उल्टी क्यों हो रही है। क्या हुआ माँ, बताइए ना फिर। वो खुशखबरी देने वाली है। खुशखबरी? तू पापा बनने वाला है। रुक जा भाई, माँ ऐसी कोई बात नहीं है। रुक माँ, माँ मेरी बात, मेरी बात सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बुलबुल ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, उसके रिएक्शन। क्या तू भी ना बिल्कुल अपने पापा की तरह बातें कर रहा है। जब विशेष होने वाला था ना, तो तेरे पापा को भी विश्वास नहीं हो रहा था, वो भी ऐसी बातें कर रहे थे, कुछ खा लिया होगा, ये कर लिया होगा। तुझे पता है ना कि हर बात के लिए तर्क जरूरी नहीं है, उस पल को जी लेना चाहिए। तू पापा बनने वाला है वीर, तू समझ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? एक सेकंड माँ, एक सेकंड। हाँ गिरी बोलो। मैं थोड़ी देर में पहुंचा हूँ खाने। हाँ इस बार आप जो कुछ भी समझ रही है ना, गलत समझ रही है। मैं बिल्कुल गलत नहीं समझ रही हूं। मैं खाने जा रहा हूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, आप सब कुछ संभालिए। मैं बिल्कुल समझ रही हूं ठीक। अरे तू क्या, मेरी बात नहीं सुन। तू जा गोपाल दास से ना वो गरम गरम मालपुए लेकर आ। ठीक है मैं जाता हूं। पैसे वहां दराज में रखे। समझन सा, गीता, बहुत बहुत बधाई हो गीता। समझन सा, मैं ये कह रही थी कि हो सकता है कंवर सर सही बोल रहे हो। हम एक बार बुलबुल से बात कर लेते हैं ना, सारी बात साफ हो जाएगी। लाडो बुलबुल तू ठीक है? हाँ आप लोग यहाँ बुलबुल। खाने को व्रत रखने की आदत ना है ना, इसीलिए हो रहा होगा ऐसा। क्या गीता, तुम भी ना बिल्कुल वीर की तरह तर्क दे रही हो हर बात पे। तुम तो माँ हो ना, तुम्हें पता है ये किसके लक्षण है। किसके लक्षण है, क्या हुआ है हमारे को? बुलबुल तुम माँ बनने वाली है। नहीं मासा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं माँ कैसे बन सकती? अरे क्यों नहीं बन सकती, तू माँ बन रही है। शादीशुदा है तू, और एक औरत की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि वो माँ बने, और तू माँ बन रही है। पता है जब मैं भी माँ बनने वाली थी ना, तो मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर ना तजुर्बे से समझ में आने लग गया, है ना गीता? मासा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं माँ। कुछ नहीं बोल, कुछ नहीं बोल। ये तेरा पहला बच्चा है, लेकिन मेरे चार चार बच्चे हो चुके हैं, मुझे सब समझ में आता है। सबसे पहले तो तू एक काम कर, ये व्रत है ना, ये व्रत खोल ले। अरे अब तो भूखी नहीं रह सकती, तुझे खाते रहना पड़ेगा, और परिवार परिवार को इतनी बड़ी खुशी दे रही है तू, सब तुझे लाड लड़ाएंगे। देख तुझे तीन काम करने हैं, खाना अच्छे से खाना है, आराम अच्छे से करना है, और हमेशा खुश रहना है। अपने लिए, लल्ला के लिए, परिवार के लिए कितनी सारी खुशियां आने वाली है।